समोसे खा लो, तुम्हें भूख लगी आई होगी। बेटा भूख रख दो, एक साइड पहले समोसे खा लो। ठीक है दादी। बेटा भूखे में पढ़ाई मत किया करो, वरना याद नहीं होता है। दादी मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा मुझे भी समोसा खिला दो ना। अच्छा तुझे भी भूख लगी है? जब भी मैं अपने पोते को कुछ ना कुछ खिलाती हूँ तभी तुझे भूख लगती है। दादी मैंने भी तो अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है। लगा दी ना तू ना मेरे खाने को नंजा, तभी तो मेरे पोते को खाना लगता भी नहीं है, वो दुबला पतला होता जा रहा है। अब मुड़ मुड़ के क्या देख रही है, चल भाग यहाँ से। इस मनहूस की वजह से मैं अपने पोते को अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकती हूँ। तो मेरे पोते को खाना लगता भी नहीं है, वो दुबला पतला होता जा रहा है। अब मुड़ मुड़ के क्या देख रही है, चल भाग यहाँ से। इस मनहूस की वजह से मैं अपने पोते को अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकती हूँ। अरे बेटा चुप हो जा, वो तुम्हारी भी दादी है, वो तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। और हाँ बेटा, जब शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी, तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए जरूर लाएंगे। ठीक है मम्मी। पता नहीं मेरी सासु माँ को क्या हो गया है, वो एक औरत होकर भी बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करती है। अरे पलक बेटा जरा इधर आओ। हाँ मम्मी बोलो, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? हाँ बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाएंगे। तो देखो बेटा आज तुम्हारे पापा तुम्हारे खाने के लिए केले लाए हैं। अरे मम्मी केले तो मुझे बहुत पसंद है। लो बेटा जल्दी से केला खा लो। अच्छा तो बेटी पे लाड़ हो रहा है, केला खिलाया जा रहा है। अरे सासू माँ तू क्या हो गया, सुबह कार्तिक भी तो समोसा खा रहा था। कार्तिक समोसा खा रहा था तो क्या हो गया, वो तो इस घर का वारिस है। हाँ तो सासू माँ पलक भी तो इसी घर की बेटी है। इस घर की कहाँ है, वो तो पराए घर की है, बेटियाँ तो पराए घर की होती है। नहीं खिलाने इसे केले, केले तो मुझे धर दो, केला तो मेरा बेटा खाएगा। अरे सासू माँ खाने को दे दो ना इसे केले, ये बहुत भूखी है। चुप कर, जब से तेरी बेटी हो गई ना मेरे सिर पर बोझ बढ़ गया है। बढ़िया ही बेटी हो केले खिलाने वाली। कुछ ऐसी सोच रखने वाले लोगों की वजह से ही आज हमारे यहाँ पर बेटा और बेटी में इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है। क्या दोस्तों ये सही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।